नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं बात सच है। जिन्हें कंगाली में आटा गीला देखना हो उन्हें इस वीडियो को देख लेना चाहिए, क्योंकि खुद को अफलातून समझने वाले पड़ोसी मुल्क का सिर्फ आटा ही गीला नहीं हुआ है, बल्कि वह रस्सी भी नदारद है जिस पर कतार में तहमंद सुखाए जाते थे। एक तरफ भारत ने पाकिस्तान की वह इच्छा पूरी कर दी है जिसमें वह भारत द्वारा पानी नहीं छोड़ने का उलाना देता था, जबकि ऊपर से अल्लाह भरपूर मेघ बरसा रहा है। हालत यह है कि पाकिस्तान के कराची के सैलाब में 105 लोग हुरों की खोज में प्रस्थान कर गए हैं। कराची की सड़कें नदी का रूप ले चुकी है, जबकि सतलुज अपना कहर बरपा रही है। पीडीएम में खैबर पख्तूनख्वा के मुताबिक भारत की ओर से अचानक अलचीबाद में पानी छोड़ा गया है, जिससे सिंधु नदी में बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है। पाकिस्तान के पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा प्रांतों के अधिकारियों ने सतलुज और अलचीबाद में पानी छोड़ जाने के बाद बाढ़ से संबंधित अलर्ट जारी कर दिया है। पंजाब के गंडा सिंह वाला गांव में हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं। भारत द्वारा लगातार पानी छोड़ने और बारिश के चलते तारबेला बांध और डेरा इस्माइल खान में स्थिति भयावह होने की आशंका है। पाकिस्तान ने सिंधु नदी के पास निगरानी करने के निर्देश दिए हैं और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए नौकाएं और तैराक को मुस्तैद रहने को कहा है। पाकिस्तान की आर्थिक राजधानी कराची की भारी बारिश ने कमर तोड़ दी है। कराची का अधिकांश हिस्सा पूरी तरह जलमग्न हो चुका है। यहां गाड़ियां चलने के बजाय तैर रही है। लोगों के घरों में भीतर तक पानी घुसा हुआ है और वे पूरी तरह अलग थलग पड़ गए हैं। पाकिस्तान के कराची से आई भारी बारिश की बाद की तस्वीरें इस आर्थिक राजधानी की पूरी पोल पट्टी खोल देती है। पूरी तरह पानी में डूबा कराची केवल पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी का भंडा ही नहीं फोड़ रहा है, बल्कि इमरान का मजाक भी उड़ा रहा है। बड़ी बात यह है कि बात बात में भारत पर बाढ़ का आरोप लगाने वाले कराची के हालात पर मूक दर्शक बने हुए हैं। यहां तो भारत से छोड़े गए पानी का कोई संबंध भी नहीं है, इसलिए डूबते और तैरते कराची का हाल पाकिस्तान को इस वीडियो में जरूर देख लेना चाहिए। सब जामे, इतना जामे के पानी गाड़ियां डूबी हुई है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान जय किसान जय हिंद वंदे मातरम।